नमस्कार दोस्तों, टेक विश्व में आप सभी का स्वागत है। द यूनिवर्स ऑफ इन्फिनिट टेक्नोलॉजी से मैं हूँ विश्वजीत, आपका होस्ट। और चलिए आज हम बात करते हैं कुछ स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर, जहाँ पे मैं आपको लेके चलने वाला हूँ वन प्लस नॉर्ड जो नया लॉन्च हुआ उसके बारे में आज हम यहाँ पे बात करेंगे। वन प्लस नॉर्ड CE2 लाइट करके इसका नाम है एंड दिस इज द चीपेस्ट वन प्लस टू बाय इन इंडिया। 18,499 रुपये में आपके लिए ये अवेलेबल है, जहाँ पे ऑलरेडी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 1,500 रुपये आपको माइनस होके मिलेगा। एंड दिस इज़ अ ब्यूटीफुली प्लेस्ड डिवाइस जो 18,500-20,000 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में यहाँ पे वन प्लस ने ऑलरेडी टारगेट किया है। 3 मंथ का आपको स्पॉटिफाई प्रीमियम भी यहाँ पे ऑफर किया जाता है, और उसी के साथ में आपको वन प्लस नॉट CE2 लाइट में आप क्लेम कर सकते हो, क्लेम वायर रेड केबल क्लब, तो वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बहुत ही प्यारा डिवाइस यहाँ पे वन प्लस ने लॉन्च किया है, और मुझे लगता है कि इसको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स ज़रूर मिलेगा, बिकॉज वन प्लस नॉट ओनली सोल्ड द डिवाइस बट दे ऑल्सो सेल द एक्सपीरियंस एज वेल। तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 695 चिपसेट आपको देखने को मिल रहा है, विच इज अ 5G चिपसेट। 5000 mAh का बैटरी आपको देखने को मिल रहा है, 33 वॉट का सुपर वूक चार्जिंग आपको देखने को मिल रहा है। डिस्प्ले की बात करते हैं तो 120Hz का एनर्जी एफिशिएंट डिस्प्ले है 6.59 इंच का। उसी के साथ में आगे बात करेंगे तो 64 MP का AI triple कैमरा दिया गया है। उसी के साथ में 3.5mm का हेडफोन जैक मिलता है, एक्स्ट्रा सिम माइक्रो SD कार्ड स्लॉट मिलता है, और ऑक्सीजन OS मिलेगा आपको गारंटीड सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ में। तो वो एक अच्छी चीज़ है, अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो आपको वन प्लस की सारी खूबियों वाली चीज़ें यहाँ पे आपको वन प्लस ने प्रोवाइड करने का पूरा कोशिश किया है। ब्लू टाइड करके यहाँ पे कलर अवेलेबल है, जो वन प्लस का जो एक नॉर्मल जेनेरिक कलर आता है ब्लू कलर का, रोलिंग टाइड ऑफ ब्लू एंड येलो दैट ग्लीम्स लाइक एन ओशन सनसेट एंड स्टैंड्स आउट ऑफ फ्रॉम द क्राउड। आप जैसे जिस तरीके से देख पा रहे हो, ये ब्लू टाइड जो है दिस विल बी अ ब्यूटीफुली लुकिंग कलर, जैसे आप देख पा रहे हो वन प्लस का लोगो आप देख पा रहे हो पीछे आता है, और ऊपर कैमरा के बाजू में आप देख पा रहे हो एक सटल टेक्स्चर आपको देखने को मिल रहा है वन प्लस की तरफ से। तो ये ब्लू टाइड नाम से जो कलर है, दिस इज अ वन प्लस सिग्नेचर कलर जो आपको ये फ़ोन में भी देखने को मिलने वाला है। दूसरे कलर की बात करें तो यहाँ पे आपको ब्लैक डस्ट कलर देखने को मिल रहा है, जहाँ पे आपको मैट ब्लैक फिनिश मिलना देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से फिंगरप्रिंट रेजिस्टेंट रहेगा ये, और जिन लोगों को मैट ब्लैक कलर ज़्यादा पसंद आता है उन लोगों को ये फ़ोन देखते ही पसंद आने वाला है, दैट इज़ माई गारंटी फॉर श्योर। तो ये देखिए, आप देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पे मैट ब्लैक फिनिश आपको नीचे देखने को मिलेगा, और ऊपर वहाँ पे आपको वेज शेप लाइन शेप डिज़ाइन आपको देखने को मिल रहा है कैमरा के एरिया में। तो इस तरीके से एक सुपर ब्यूटीफुल डिज़ाइन यहाँ पे वन प्लस ने प्रोवाइड करने का कोशिश किया है। आगे बात करते हैं निफ्टी फीचर्स की, तो आपको यहाँ पे वन प्लस ने 3.5mm का हेडफोन जैक भी प्रोवाइड किया गया है। दिस इज़ द मोस्ट यूज्ड फीचर बाय इंडियंस और मोस्ट लव्ड बाय द इंडियंस, ऐसे बोल सकते हैं। तो 3.5mm का हेडफोन जैक यहाँ पे प्रोवाइड करने का कोशिश किया गया है। उसी के साथ में एक्सपेंडेबल स्टोरेज जो है, आपको डेडिकेटेड माइक्रो SD का कार्ड स्लॉट यहाँ पे देखने को मिलता है। दिस इज़ नॉट अ कन्वेंशनल वन प्लस, बट यहाँ पे मुझे लगता है वन प्लस ने जो कम प्राइस ब्रैकेट वाले जो भी फ़ोन्स है उनमें ये फीचर देने का कोशिश किया है, जिसकी वजह से आपको एक्सपेंडेबल स्टोरेज यहाँ पे देखने को मिलता है विद अ डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड स्लॉट, और उसकी वजह से मुझे लगता है आप 1 TB तक आपका फ़ोन का स्टोरेज बढ़ा सकते हो। आइडियली 1 TB इज़ अ हाइप्ड नंबर, बट अगर आपको चाहिए तो वो अवेलेबल है। आगे बात करते हैं चिपसेट की, वन प्लस ने चिपसेट बहुत प्यारा चिपसेट यहाँ पे लिया है, तो स्नैपड्रैगन 695 आपको देखने को मिलता है, विच इज़ अ 5G रेडी चिपसेट, और उसमें आपको एनर्जी एफिशिएंट ऑक्टा कोर आर्किटेक्चर मिलता है 619 GPU के साथ में आता है, जिसकी वजह से गेमिंग के लिए भी ये फ़ोन अच्छा सूटेबल रहेगा। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो 23 राउंड्स ऑफ PUBG आप खेल सकते हो, या बैटल राउंड्स मोबाइल इंडिया खेल सकते हो। 30% का GPU इम्प्रूवमेंट मिलेगा आपको, 24 आवर्स का YouTube मिल सकता है, और एंटीटू स्कोर आप देख पा रहे हो 4 लाख के आसपास एंटीटू स्कोर आपको देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है यहाँ पे बेस्ट स्नैपड्रैगन 5G यहाँ पे इन्होंने कंसिडर किया है, इवन दो द प्राइस ब्रैकेट इज़ वेरी स्मॉल, बट मुझे लगता है स्नैपड्रैगन 695 इज़ द गो टूवर्ड चॉइस फॉर दिस फोन, और बिग थम्स अप फॉर वन प्लस फॉर चूजिंग द बेस्ट चिपसेट फॉर गेमिंग। आगे बात करते हैं तो यहाँ पे आपको ये फ़ोन में 9 सेंसर मिलेंगे जो रियल टाइम टेम्परेचर मॉनिटर करेंगे, एंड डेडिकेटेड चिप भी मिलेगा टू मेक श्योर प्योर बैटरी इज़ सेफ एंड कूल। तो ये एक अच्छा डेडिकेटेड फीचर यहाँ पे वन प्लस ने प्रोवाइड किया है, जस्ट बिकॉज गेमिंग की वजह से अगर हीट वगैरह बढ़ जाता है तो आपका रियल टाइम टेम्परेचर मॉनिटर करने के लिए ये सेंसर्स काम करेंगे। आगे बात करते हैं, जो चीज़ मुझे ज़्यादा यहाँ पे पसंद नहीं है उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे आपको बिग डिस्प्ले मिलता है 120Hz का, और 120Hz का डिस्प्ले होने के साथ में ही
यहाँ पे आपको बड़ा साइज का डिस्प्ले मिल रहा है और देख पा रहे हो आप जिस तरीके से इसका चिन का साइज भी छोटा है, एजेस भी यहाँ पे स्मूथ दिख रहे हैं, बहुत बहुत ज़्यादा हैवी एजेस कहीं पे भी दिख नहीं रहे हैं। आगे बात करते हैं तो 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले है, तो जो ज़्यादा बैटरी लाइफ खाएगा ऐसे यहाँ पे सामने से बोला जा रहा है। तो ये जो डिस्प्ले यहाँ पे प्रोवाइड किया है, दिस इज़ अ बेसिकली एनर्जी सेविंग LCD डिस्प्ले, तो इस चीज़ के लिए मैं ज़रा सा नाराज़ हूँ OnePlus के साथ में, बिकॉज यहाँ पे अगर वो AMOLED के साथ में जाते थे और 90 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले के साथ में भी जाते थे वो एक अच्छी चीज़ हो सकती थी। और कैमरा इन डेप्थ व्यूज़ जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे, कैमरा का बात करते हैं तो आपको ट्रिपल कैमरा यहाँ पे देखने को मिलता है, 64 मेगापिक्सल का AI ट्रिपल कैमरा रहेगा, उसी के साथ में आपको 2 मेगापिक्सल का डेप्थ असिस्ट कैमरा देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से मोर रियलिस्टिक बोके पोर्ट्रेट शॉट्स आपको देखने को मिलेंगे और वो एक अच्छी चीज़ यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। आप देख पा रहे हो किस तरीके से कैमरा लेआउट यहाँ पे देखने को मिलता है पीछे की साइड में, दैट वॉज अ वंडरफुल थिंग टू हैव। और कैमरा का जो ओवरऑल अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, एक अच्छे तरीके से प्लेसमेंट अपने को देखने को मिल रही है ट्रिपल कैमरा सेटअप होने के बाद भी। ट्रिपल कैमरा का बात करते हैं तो जिस तरीके से मैंने बात किया, 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर देखने को मिलता है जिसका वर्फ f1.7 का एपर्चर है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ असिस्ट कैमरा मिल रहा है आपको और 4 सेंटीमीटर का मैक्रो मिल रहा है इफेक्टिव शूटिंग डिस्टेंस के लिए। वो कैमरा भी, मैक्रो वाला कैमरा भी 2 मेगापिक्सल का ही होगा, दैट इज़ फॉर श्योर। तो इस तरीके से ट्रिपल कैमरा सेंसर आपको देखने को मिलता है। कुछ निफ्टी फीचर्स की बात करते हैं तो जैसे मैंने बोला कि डेप्थ असिस्ट पोर्ट्रेट आप यहाँ पे ले सकते हो बाय यूजिंग द डेप्थ असिस्ट कैमरा, और उसकी वजह से आपको एक अच्छा पोर्ट्रेट आप यहाँ पे निकल पाओगे। आगे बात करते हैं स्लो मोशन की, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो आपको स्लो मोशन जो है वो 720p में 120fps तक का आपको स्लो मोशन देखने को मिल रहा है। तो ये एक अच्छी चीज़ है, जो लोग व्लॉगिंग वगैरह ज़्यादा करते हैं या स्लो मोशन के वीडियोस लेना जिनको ज़्यादा पसंद है, उन लोगों के लिए दिस विल बी अ ग्रेट ट्रीट टू हैव। 720p पे ही है लेकिन आपको 120fps का स्लो मोशन यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। ट्वाइस द एक्शन यहाँ पे देख पा रहे हो आप, डबल द कूलनेस ऑफ शॉट्स एंड यूज ड्यूअल वीडियो, तो ड्यूअल वीडियो का भी फीचर यहाँ पे देखने को मिल रहा है जिसको यूज़ करके आप साइमल्टेनियसली फ्रंट एंड रियर कैमरा एक ही टाइम पे यूज़ कर सकते हो टू शूट एनीथिंग और व्लॉग एनीथिंग। तो ये एक अच्छी चीज़ है, व्लॉगर लोगों के लिए ये फीचर ज़रूर उनको पसंद आएगा। जिस तरीके से मैंने बात किया यहाँ पे आपको OnePlus अपना खुद का एक्सपीरियंस आपको शेयर करने का, सेल करने का कोशिश कर रहा है, तो आपको यहाँ पे ऑक्सीजन OS 12.1 देखने को मिलता है, अ लिटिल मोर क्वालिटी देन यू एक्सपेक्टेड ऐसे यहाँ पे बोला जा रहा है। उसी के साथ में आपको उसकी वजह से आपको फास्टर ऐप ऑप्टिमाइजेशन देखने को मिलेगा और ऐप लोडिंग फास्ट देखने को मिलेगा। उसी के साथ में यहाँ पे 2 मेजर एंड्रॉयड अपडेट का यहाँ पे गारंटी दे दिया है और 3 साल का सिक्योरिटी अपडेट यहाँ पे OnePlus की तरफ से दिया जा रहा है। तो अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे बॉक्सेस यहाँ पे परफेक्टली टिक करने का कोशिश की है OnePlus ने, एंड इफ़ यू आस्क मी माई वेरिडिक्ट गाइज, आई विल टेल यू टू गो ब्लाइंडली फॉर दिस फोन, बिकॉज OnePlus Nord CE2 जो है वो बहुत सारे बॉक्सेस अच्छे से टिक कर रहा है। आपको 5G फोन मिल रहा है 20,000 के नीचे, OnePlus का एक्सपीरियंस देखने को मिलता है, बहुत सारे लोग OnePlus का एक्सपीरियंस लेने के लिए तरसते हैं बिकॉज द प्राइस रेंज इज़ नॉट इन द प्राइस ब्रैकेट। तो मुझे लगता है दिस इज़ अ बेस्ट फ़ोन टू बाय इन बाय OnePlus Nord। एक ही चीज़ यहाँ पे मुझे कमी लगी, वो है AMOLED डिस्प्ले। AMOLED डिस्प्ले अगर आपको चल सकता है, देर इज़ नो नीड ऑफ AMOLED डिस्प्ले, देन यू कैन ब्लाइंडली गो फॉर दिस फोन फॉर श्योर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे टेकविश यूट्यूब चैनल को। आपका हर एक लाइक, हर एक शेयर और हर एक सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेट करेगा ऐसे नए नए वीडियोस हर दिन बनाने के लिए। सब्सक्राइब टू माय चैनल टू वॉच मोर ऑसम कंटेंट ऑन अ डेली बेसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।